नमस्कार दोस्तों, एचआर ट्रैक्टर्स एम्पायर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, छोटी सी वीडियो है। इसमें हम आपको ये जानकारी देंगे कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उन्होंने जो DIPS जो 50 HP के अंदर ट्रैक्टर आता है उसके अंदर टर्बो लगा के इसकी जो पावर है वो बढ़ाते हैं। टर्बो लगाने से कुछ 3 से 4 HP तक की जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो टर्बो लगाने से जो ट्रैक्टर का टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ता है, यानी कि जो टेम्परेचर वाली सुई है वो थोड़ा सा ट्रैक्टर उठाता है, या ट्रैक्टर थोड़ा टर्बो लगाने के बाद पहले से कुछ ज़्यादा गर्म होता है। तो उसके लिए वो कस्टमर क्या कर रहे हैं, जिन्होंने DII या PS के ऊपर टर्बो लगाई है, तो वो फार्मर क्या कर रहे हैं, वो इस ट्रैक्टर के ऊपर नोवो 655 वाली जो पुली और जो फैन है, यानी कि 655 वाला जो बड़ा फैन है वो इस ट्रैक्टर के अंदर लगा रहे हैं, जिससे क्या है कि जो ट्रैक्टर की जो टेम्परेचर बढ़ता है वो पहले से डाउन आ गया है। 655 का जो बड़ा फैन लगाने से जो इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो गया। तो दिखाते हैं हम आपको कौन से पार्ट हैं जो इसके ऊपर टर्बो लगाने के बाद आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो वो पार्ट आपको, ये 3 पार्ट आपको लेने पड़ेंगे। एक तो ये फैन हो गया, दूसरा ये पुली आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो पहले DII या PS के ऊपर पुली आती है उसके ऊपर आपका ये फैन नहीं लगेगा, तो इसके लिए आपको ये पुली लेके आनी पड़ेगी, और दूसरा फैन, और तीसरा जो आप ये माउंटिंग देख रहे हैं प्लेट माउंटिंग, ये पुली के ऊपर इस तरह से फिट हो जाती है, और ये फिट होने के बाद में ये जो आप फैन देख रहे हैं ये इसके ऊपर फिट हो जाता है। तो आप 605 DII और PS के ऊपर ये 655 वाला जो फैन है, तो ये 3 चीज़ें चेंज करने से आप अगर अपने ट्रैक्टर के ऊपर टर्बो लगाते हैं 605 और 605 PS और DII पर, तो ये बड़ा फ़ैन लगाने से और ये चीज़ें लगाने से जो कस्टमर का रिव्यू आया वो कहते हैं कि ये बड़ा फ़ैन लगाने से जो ट्रैक्टर का टेम्परेचर है वो टर्बो लगाने से नहीं बढ़ता और सामान्य टेम्परेचर रहता है। तो ये चीज़ें आप लगवा के अपने ट्रैक्टर पर टर्बो लगाई है तो इस चीज़ों से आप ट्रैक्टर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।